नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे देसी ट्रिप गाइड में। तो साथियों, आज हम आपको सैर कराने वाले हैं मुगल गार्डन का। हालांकि इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। आपको पहले आने का रास्ता बता दूं, अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो आप नियरेस्ट मेट्रो केंद्रीय सचिवालय में उतर जाएं, या अगर ऑटो से आना चाहते हैं तो आप गेट नंबर 35 पे आ जाएं। दोस्तों, आप लोग यहां से टिकट ले सकते हैं या तो आप टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं, दिखाते हैं गार्डन का खूबसूरत सा नज़ारा। बाबा रे बाबा, इतनी लंबी लाइन है एंट्री के लिए। हम लोग टिकट स्कैन करवा के अब लेके आ गए हैं, अब यहाँ पे फाइनली चेक होगा। फाइनली हम लोग मुगल गार्डन के अंदर आ चुके हैं। मुगल गार्डन नहीं, अब जो अमृत उद्यान हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया। तो चलेंगे अंदर और दिखाएंगे आपको मुगल गार्डन का पूरा व्यू और बताएंगे इस सबका पूरा नज़ारा। इसको लेके कुछ इतिहास के बारे में भी बताएंगे कि कैसे मुगल गार्डन बना, किसने बनाया। तो चलते हैं, पहले इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको फिर बताते हैं। साथियों, ये हम लोग का पहला पड़ाव है। आप देख सकते हैं सामने हर्बल गार्डन है। यहाँ पर आपको देश विदेश के पौधे मिलेंगे, और वह पौधे ही मिलेंगे जो आपके उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे कुछ गाइडर्स हैं, तो चलते हैं गाइडर से समझते हैं और इन पौधों के बारे में। सर, इसके जो ग्लासेस को ड्राई करके हर्बल टी बनती है, और उस टी के बेनिफिट से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इनको कम करता है। प्लस किसी को इंसोमनिया की प्रॉब्लम है, मतलब उसको नींद नहीं आती, कम आती है, उस केस में भी अफेक्टिव है, मतलब इंसोमनिया को क्योर करता है। ओके मैम, और ये सब प्लांट सर स्वीट अलाइसम है, ये एक सीजनल फ्लावर है। ये जो है वो विंटर एनुअल है, मतलब ये आजकल ही फ्लावरिंग में आता है, और इसको अभी यहाँ पे शो के लिए लगाया गया है। प्लस ये जो पाथ एज अ कवर प्लांट यूज है, पाथ और लॉन, इसके बीच को पार्टीशन कर रहा है, अलग कर रहा है। ये वाला सर, ये सर तुलसी का पौधा है, ये विंटर की वजह से भी ड्राई हो गया है। अब ये सामने जो देखेंगे वो कालवेग का पौधा है। इसके जो लीव्स होते हैं उनमें एक तो एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज है, मतलब मलेरिया की प्रॉब्लम है तब ये अफेक्टिव है। इसके अलावा कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसका शुगर लेवल कंट्रोल करता है, और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका भी अफेक्टिव है। मैम, वो देन वो जो है पहाड़ी तुलसी है सर, जो तुलसी के बेनिफिट्स हैं वहीं से हर्बल टी बना सकते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट बूस्ट करती है। ओके मैम, थैंक यू। सदा बाहर कहते हैं ना। अच्छा, ये किस काम में आता है? लीव्स भी है, रूट्स भी यूज करते हैं, और इसमें से जो एक विनक्लिस्टिन जो केमिकल होता है वो हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ये किसके लिए होता है? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। सदाबहार पेरिविंकल। अच्छा, ओके। काफ़ी छोटा। तो आपने देखा कि ये जो पौधे हैं सदाबहार के पौधे, ये कैंसर ट्रीटमेंट में काम आते हैं। तो हम लोग इधर से चलेंगे, गाइड भी हो गई, मैंने आप लोगों को कुछ पौधे वगैरह दिखा भी दिया जो कि हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। कोई शुगर, कोई डायबिटीज, कोई कैंसर, इसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको म्यूजिकल पार्क, जहाँ पे म्यूजिक के धुन पे वाटर्स डांस करता है। स्कैन कर सकते हैं? हाँ, ये स्कैन करके हम लोग पता कर सकते हैं ना ये किस काम में आता है। हाँ, ये सारे डिटेल्स वगैरह QR कोड में मिल जाएंगे आपको। ये अश्वगंधा की क्यारियाँ हैं, यहाँ पे अश्वगंधे के पौधे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर और देखते हैं वहाँ पे कुछ क्या खास है। दुनिया भर से लाए गए सारे पौधे हैं जो यहाँ पर रखा गया है, और देखने छोटे छोटे सीढ़ियों में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पौधे मिल जाएंगे आपको।
ये बोनसाई उद्यान है, यहाँ पे आप प्लांट छोटे छोटे मिलेंगे, छोटे छोटे आपको हर किस्म के प्लांट मिलेंगे। देख सकते हैं एक एक करके नाम तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो दोस्तों आ चुका है हम लोग का दूसरा पड़ाव, यहाँ पर आपको हर किस्म के छोटे छोटे पौधे मिलेंगे जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक एक करके नाम बताना तो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं और दिखाना भी संभव नहीं है। तो आप देख सकते हैं इन छोटे छोटे पौधों को कितना सुंदर तरीके से इन सबको यहाँ पर सजाया गया है। ये आपको दिख रहा होगा ये पानी के फुहारे में इंद्रधनुष भी बन रहा है। यहाँ आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा क्योंकि सूर्य की रोशनी के साथ यहाँ पे इंद्रधनुष बन रहा है और ये म्यूजिक के साथ पानी का डांस। ये रेनबो देख सकते हैं पूरा है। वाव वो, और अभी देखिए और भी ये म्यूजिक तेज हुआ है तो और पानी का फुहारा भी तेज हो गया और इसके साथ ही इंद्रधनुष देखिए कितना प्यारा लग रहा देखने को। तो चलते हैं आगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे प्रमुख पड़ाव की ओर जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। रास्ते में आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे संतरे के पौधे हैं जिसमें काफी संख्या में संतरे भी लगे हुए हैं, पर आप इस सुंदरता को देख ही सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं। इनकी सिक्योरिटी भी देखा जा सकता है। आखिरकार हम लोगों की एंट्री हो चुकी है गार्डन के सबसे प्रमुख हिस्से में। आप सामने देख सकते हैं कि सामने राष्ट्रपति भवन है और यह गार्डन राष्ट्रपति भवन के ठीक पीछे का हिस्सा है। अब मैं आपको बता दूं कि यह गार्डन मुगलों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने बनाया था, तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिरकार इनका नाम मुगल गार्डन ही क्यों रखा गया। अगर आप इन गार्डन को ध्यान से देखेंगे तो आपको हर फूल की क्यारियां, नहर, पेड़ इत्यादि सभी आपको मुगल पद्धति से लगाए गए हैं। तो बस यही एक कारण था कि इनका नाम मुगल गार्डन रखा गया है। हालांकि अब इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। यह गार्डन साल में बस एक डेढ़ महीने के लिए ही खुलता है और यह खुलने का समय 31 जनवरी से होता है। यहाँ पे आपको फूलों की बहुत सारी प्रजातियां मिलेंगी जो देखने में काफी सुंदर लगता है।
हम लोग अब घूम चुके हैं धीरे धीरे एग्जिट की ओर जा रहे हैं। टाइप के कैक्टस मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको चलते चलते कुछ हो गया हो, मेडिकल भी है यहाँ पे। एंट्री और एग्जिट का दिखाया जा रहा है कि अभी एंट्री कितना हुआ और एग्जिट कितना हुआ। और ये हम लोग एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से। देखिए एग्जिट का इतना लंबा लाइन है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप देसी ट्रिप गाइड को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।